राजधानी के भांकरोटा में अजमेर रोड पर घंटों तक लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को अब निजात मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर बने हुए ब्रेकर्स को हटा दिया है और साथ ही सर्विस लेन रोड और स्लिप लेन की चौड़ाई को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा अजमेर रोड पर यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई ताकि यातायात व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि अजमेर रोड पर वाहनों की आवाजाही अधिक होने के चलते आए दिन कई किलोमीटर तक जाम लग जाता था और इसी को लेकर डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने यहां का दौरा किया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो जो अगर कमला नेहरू विजिट किया हो आप लोगों में से किसी ने भाकरोटा, हाँ, तो उसमें आप लोगों ने देखा हो कि काम चल रहा है तीव्र गति से। तो वो हमारा मुख्य योजना है कि सबसे पहले वहाँ पे हम रिलीफ दें, और मैं मान के चलता हूँ कि 25 मार्च के बाद जयपुर की जनता को और ख़ास तौर पे अजमेर से जयपुर आने वाली जनता को या जाने वाली जनता को एक फ़र्क महसूस होगा कमला नेहरू पुलिया और भांकरोटा चौराहे पर। मुख्य तौर पे तो इसमें हमारा प्रयास है कि जो ट्रैफिक पास करता है, चूँकि उसमें जो ज़रूरत है वो तो वहाँ पर ओवरब्रिज की है, वो एक दीर्घकालिक समाधान है, हमारे हाथ में अल्पकालिक समाधान है। तो अल्पकालिक समाधान में हमने यही किया है कि जो ट्रैफिक गुजरता है उसकी स्पीड को हम बढ़ाएं, उसको जल्दी से जल्दी निकालें, जिससे अधिक से अधिक गाड़ियां हम उस जगह से पास करा दें। उसके लिए हमने मेन तौर पे तो वहाँ पे जो मल्टीपल ब्रेकर्स बने थे उसको हमने हटवाया है, जो उसका प्रोटेक्टिंग वॉल था उसको छोटा करा के सड़क को चौड़ी कराई, जिससे अधिक से अधिक वाहन का फ्लो। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।